अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, हम उस एग्जांपल को देखेंगे, उससे हमें समझ आएगा हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस। अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो एक एक्सप्रेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन, और एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स प्लस थ्री। ठीक है, टू एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम कह सकते हैं हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, इट मींस हम दोनों को ब्रैकेट्स में ऐसे लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। अब जब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मींस के दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय द होल एक्सप्रेशन एंड देन दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय द होल एक्सप्रेशन। मींस फर्स्ट टर्म जो है वो पहले मल्टीप्लाई होगी इसकी पूरी एक्सप्रेशन से, फिर उसके बाद हम सेकंड टर्म पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारा ये स्टेप लिखते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी होल एक्सप्रेशन से लाइक दिस, फिर उसके बाद प्लस थ्री को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से इस पूरी एक्सप्रेशन से। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही की जाती है, अगर और टर्म्स होती तो हम उनको भी यहाँ एज इट इज़ ले लेते, राइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा बात याद रखने की ये होती है, कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, जो साइंस हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं एज इट इज़, बट जो पावर्स होती हैं, पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। कैसे? यहाँ कोफिशिएंट नथिंग मींस वन, यहाँ भी नथिंग मींस वन, वन वन ज़ा वन ही होता है, नो नीड टू राइट वन अगेन। फिर मैंने कहा साइंस जो है मल्टीप्लाई होती है, प्लस 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 ही होगा, वन वन ज़ा वन होगा, और एक्स में सेम वेरिएबल्स की पावर्स को मैंने कहा ऐड करेंगे, एक्स एंड एक्स सेम वेरिएबल है, यस, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्स की पावर नथिंग मींस वन और टू, वन प्लस टू कितना होता है, थ्री होता है, इट मीन्स हमारा आंसर मिला हमें एक्स की पावर क्यूब, पावर्स हो गई ऐड। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं, हमें पहले साइंस मल्टीप्लाई करा रहा होगा, प्लस माइनस माइनस, वन थ्री ज़ा थ्री, क्योंकि इसका कोफिशिएंट वन और इसका थ्री, कोफिशिएंट्स हुए मल्टीप्लाई, साइंस हुए मल्टीप्लाई, सेम वेरिएबल्स की पावर होंगी ऐड। ऐड करने के लिए एक्स की पावर वन और यहाँ भी एक्स की पावर वन, वन प्लस वन कितना होता है, टू, एक्स स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं, प्लस माइनस फिर से माइनस, वन नाइन ज़र नाइन, और यहाँ क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो एक्स की पावर वन एज इट इज़ आ जाएगी, नो नीड टू राइट वन इन द पावर। अब हम आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास थ्री है, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट से, इट मींस थ्री मल्टीप्लाई होगा ईच एंड एवरी टर्म। इसमें सेम क्राइटेरिया होगा, इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले साइंस फिर कोफिशियंट्स एंड देन पावर एड। अब हम चेक करते हैं, प्लस प्लस प्लस, थ्री वन ज़ा थ्री, और क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, सिर्फ एक ही आया एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पावर एड नहीं होंगी। प्लस माइनस माइनस, थ्री थ्री ज़ा नाइन, एक्स की पावर एक्स ही रहेगी क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, एज इट इज़ ये वाला एक्स आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, थ्री नाइन ज़र आता है 27, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब हम चेक कर लेते हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको साथ ले लेते हैं विद पावर्स, और जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज़ रखते हैं। एक्स क्यूब क्योंकि और कोई नहीं है, एक्स क्यूब एक ही है, अब हम एक्स स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक और कौन सा है, ये रही एक्स स्क्वायर की टर्म, वन मोर है, वो आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं एक्स वाली टर्म्स, माइनस नाइन एक्स एंड माइनस नाइन एक्स, ये आ गया यहाँ, माइनस नाइन एक्स एंड माइनस नाइन एक्स, एंड में आ गया माइनस 27 एज इट इज़, राइट। ये दोनों क्योंकि ये एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, ये एक ही सिंगल टर्म है, बट ये है क्योंकि सेम टर्म्स हैं, सेम कोफिशिएंट्स हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कर देंगे कैंसिल, बट यहाँ कैंसिल नहीं हो सकते, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, नाइन प्लस नाइन एटीन होते हैं, राइट। और ग्रेटर नंबर क्योंकि दोनों ही सेम नंबर्स हैं, साइन माइनस रहेगी और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा,
और आ गया माइनस 27। फर्दर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से हमने प्रोडक्ट की ही ली है। इसमें हमने ज़रा लेंथी टर्म्स ले ली हैं। हमारे पास फिर से दो एक्सप्रेशंस हैं, ए माइनस बी एंड दिस वन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से वही बात आ जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी विद द होल ब्रैकेट एंड देन सेकेंड टर्म माइनस बी मल्टीप्लाई होगी अगेन विद द होल ब्रैकेट, राइट। तो हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं इनको कि हम ए को मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं इसके पूरे ब्रैकेट से। हमें ये ब्रैकेट दोबारा लिखना होगा, ए फोर प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी फोर। देन उसके बाद आएगा माइनस बी ए फोर प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी फोर। आ गया प्लस बी फोर। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ क्योंकि कोफिशिएंट सबके साथ वन ही है तो वन वन ही चलेगा सबके साथ, बट जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स को हम कर देंगे ऐड। सेम वेरिएबल क्या है, ए है, फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव, वन वन ज़ा वन और फाइव, ए फाइव आ गया। प्लस साइन आएगी ए क्यूब थ्री प्लस वन फोर, यहाँ ए की पावर हो गई ऐड, थ्री प्लस वन फोर और आ गया बी। प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर विद पावर वन, टू प्लस वन थ्री, आ गया ए क्यूब और बी स्क्वायर एज इट इज। प्लस ए पावर वन विद ए पावर वन ऐड हो गए, वन प्लस वन हो गया स्क्वायर और आ गया बी क्यूब इसके साथ एज इट इज़। प्लस ए क्योंकि इसके पास नहीं है कोई पावर ऐड नहीं हुई, ए बी फोर एज इट इज़ आ गए। माइनस प्लस माइनस, अब क्योंकि माइनस साइन है अब बी केयरफुल, माइनस साइन को साथ लेके चलना होगा। ए फोर बी कोई भी पावर ऐड नहीं हुई, माइनस प्लस माइनस ए क्यूब और बी की पावर हो गई ऐड, बी की पावर वन और बी की पावर वन आ गया बी स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, बी की पावर स्क्वायर और वन, टू प्लस वन थ्री, आ गया ए स्क्वायर बी क्यूब, राइट। फिर उसके बाद आया माइनस प्लस माइनस ए एज इट इज़ और बी की पावर हो गई थ्री प्लस वन फोर, आ गया माइनस ए बी फोर। माइनस प्लस माइनस बी की पावर ऐड होके बन गई फोर प्लस वन फाइव। अब हम चेक कर लेते हैं जो सेम टर्म्स हैं वो आप उसमें सॉल्व कर लेते हैं और बाकी एज इट इज़ आ जाएगी। तो लेट्स सी, ये ए फाइव क्योंकि सिंगल टर्म है, ए फाइव और कोई टर्म नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब नाउ लेट्स चेक ए फोर बी, कहाँ है ए फोर बी, ये रहा, ये माई प्लस है और ये टर्म माइनस में है, कैंसिल हो गई। फिर आया ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस, कैंसिल हो गई। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस, ये कैंसिल हो गई। ए बी फोर प्लस एंड ए बी फोर माइनस, ये भी हो गई कैंसिल। और रिमेनिंग टर्म सिर्फ आ गई ओनली बी फाइव, माइनस के साथ बी फाइव। अब फर्दर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो वी विल स्टॉप और दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द प्रोडक्ट।